हेलो एवरीवन, वी आर रीडिंग द चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री फॉर क्लास 8, दैट इज़ रूलिंग द कंट्री साइड। और अभी तक हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो मैंडेटरी बन गया था इंडियंस के लिए, कैसे धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने वो फसलें उगानी शुरू की जो कि उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल थी या उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। और उन्हीं में से दो फसलें थी, ओपियम और इंडिगो। और इंडिगो कल्टीवेशन दो सिस्टम्स के अंडर उगवाई गई, कल्टीवेट करवाई गई इंडिया में। फर्स्ट सिस्टम था निज कल्टीवेशन, जो हमने लास्ट पार्ट में किया कि कुछ प्लांटर्स के अपने खेत थे या उन्होंने ख़रीद लिए थे या उन्होंने कुछ रेंट पे ली थी लैंड और उसी लैंड पर वो इंडिगो उगवाते थे। और अब सेकंड सिस्टम हम इस पार्ट में करने वाले हैं, वो सिस्टम है इंडिगो ऑन लैंड ऑफ रेयॉट्स। रेयॉट्स की लैंड पे जो इंडिगो वो प्रोड्यूस करवाते थे वो किस तरह से करवाते थे। अंडर द रायती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रेयॉट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। एट टाइम्स दे परसुएडेड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेयॉट्स। तो रायत से ज़बरदस्ती जो भी कल्टीवेटर्स थे उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो अपने खेतों में इंडिगो का प्रोडक्शन करेंगे। और कई बार उनसे पूछा भी नहीं जाता था और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये विलेज हेडमैन ही साइन कर देते थे। दोज़ हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गॉट द कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस द इंडिगो। जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे उनको कैश मिलता था कुछ, जिसको हम लोन भी कह सकते हैं, कि उनको इंडिगो प्लांटेशन के लिए लोन दिया जाता था या कैश दिया जाता था लो इंटरेस्ट रेट पर। बट द लोन कमिटेड द रेयॉट टू कल्टीवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हर एक रेयॉट को अपनी लैंड के 25% पर इंडिगो को उगाना होगा, तभी उसको ये लोन प्रोवाइड किया जाता था। ये जो पैसा है ये तभी उसको मिलेगा। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड ड्रिल वाइल द कल्टीवेटर्स प्रिपेयर द सॉयल सोड एंड द सीड एंड लुकिंग आफ्टर द क्रॉप। जो प्लांटर्स थे वो प्रोवाइड करवाते थे सीड और ड्रिल, और जबकि जो कल्टीवेटर्स थे वो प्रिपेयर करते थे जो भी बाकी का काम होता था खेती में, चाहे वो बीज बोने का हो या क्रॉप की देखरेख का हो, वो सभी के सभी कल्टीवेटर्स को करना पड़ता था। तो हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कितनी मुश्किल थी उस समय कल्टीवेटर्स की लाइफ, और उन्हें कोई भी ऐसे मॉडर्न मशीनरी उनके पास नहीं थी, जो भी देशी संसाधन थे उन्हीं से उन्हें खेती करनी पड़ती थी, और वो भी खेती वैसी के मनचाहा प्रोड्यूस वो नहीं कर पा रहे अपनी लैंड पे, और उनको प्लांटर्स के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलना पड़ता था। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें इंडिगो कैसे प्रोड्यूस होती थी उस समय वो सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी आगे से। व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर्स आफ्टर हार्वेस्ट अ न्यू लोन वाज टू गिवन द रेयॉट। जब उनकी क्रॉप जो है प्लांटर के पास पहुंच जाती थी, यानी तैयार होकर जब वो फसल अपनी प्लांटर को दे देते थे, तब उनको एक नया लोन दिया जाता था। यानी हर साल जो ये लोन है ये उनका दोबारा से साइकिल चलता रहता था, और हर साल जब वो अपनी फसल जो है प्लांटर को हैंडओवर करते थे उनको एक नया लोन मिलता था, और ये जो प्रोसेस है ये अगेन एंड अगेन चलता रहता था। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन्स सून रियलाइज हाउ हार्श द सिस्टम वॉज। द प्राइज दे गॉट फ्रॉम द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड। जो लोन का साइकिल था वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू। द प्लांटर यूजअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉयल्स। तो अब जो है प्लांटर्स ये भी कहते थे कि जो इंडिगो है वो हमेशा बेस्ट सॉयल पर ही कल्टिवेट होती है, लेकिन इंडिगो प्रोडक्शन से लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो लगातार कम होती जा रही थी, या हम कह सकते हैं कि फर्टिलिटी लगातार गिरती जा रही थी, क्योंकि इंडिगो प्रोडक्शन में लगभग एक साल का समय लगता था, और ये जो समय है लैंड को उतने जो मिनरल्स हैं वो नहीं मिल पाते थे इंडिगो प्रोड्यूस के कारण। इंडिगो प्लांट की जड़ें भी काफ़ी गहरी होती थी, जिससे कि वहाँ उस जगह जो है पानी की भी
कमी हो जाती थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण जो कल्टीवेटर्स हैं वो प्रेफर करते थे राइस को कल्टीवेट करना रादर देन इंडिगो. इंडिगो मैंने आपको बताया कि डीप रूट्स होती थी इसकी, और जो कि एग्जॉस्ट हो जाती थी जिससे सॉयल यानी उसमें पानी की कमी हो जाती थी. तो अब देखते हैं कि क्या ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहा इंडिगो प्रोडक्शन का, या फिर पीजेंट्स ने कुछ किया. तो उसके बाद आया ब्लू रिबेलियन, और हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे ये ब्लू रिबेलियन इंडिया में आया और उसके बाद क्या सरकमस्टांसेस हुए. टिल देन बाय बाय. होपफुली आपने इस पार्ट को ध्यान से सुना होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.